ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आते हैं। हाँ, ये बेस है उन चीजों का कि सर समझ में आने के लिए क्या जरूरी है। ये जरूरी है कि अब इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जो गिवन है, एक बार लिख लीजिएगा। गिवन है आपके पास 17 + 5 sin x + 12 cos x अपॉन 17 - 5 sin x - 12 cos x। मैं एक काम करूंगा, बस पहले ये चेक करूंगा कि दोनों का एंगल सेम है क्या, दोनों का एंगल सेम है क्या। इसका अक्ष है, इसका अक्ष है, इसका अक्ष है, इसका अक्ष। बस एक काम करूंगा, इसके कोष्टक लगाऊंगा। एक कोई गलत काम तो किया नहीं है, इसके कोष्टक लगाऊंगा तो अंदर वाला प्लस बन जाएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने नीचे वाले के कोष्टक लगाए तो अंदर वाला प्लस क्यों हो गया कि जब कोष्टक ओपन करेंगे तो अपने आप माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा सा साइड में एक काम कर लेता हूं मैं, है ना, मैं इसको पी मान लेता हूँ। किसको पी मान रहा हूँ मैं, मान रहा हूँ 5 sin x को पी मान रहा हूँ। 5 sin x + 12 cos x। और जब पी मान रहा हूँ तो इसकी रेंज मुझे पता होनी चाहिए, इसकी रेंज मुझे पता होनी चाहिए। क्या रेंज है इसकी सर, इसकी रेंज मुझे पता है, क्या रेंज है इसकी सर। इसकी रेंज है माइनस में √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, और ये हो गया सर 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। तो सर ये रेंज हो गई आपकी -13 to 13। तो इस पी की दो वैल्यू हो गई है, एक तो पी मैक्सिमम हो गया है अपर वैल्यू, एक पी मिनिमम हो गया है लोअर वैल्यू। सर अपर वैल्यू की बात कौन से करोगे आप, अपर वैल्यू की बात करेंगे तो बेटा पॉजिटिव वाली होगी, और लोअर की बात करेंगे तो ये माइनस का 13 होगा। सर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका इलाज हमारे पास है, इसका थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे। हाँ, ये आपका अपर होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसकी रेंज पूछी है तो इसमें भी अपर और लोअर दिखाना पड़ेगा हमें। सबसे इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें यहाँ आएगी। इसको ऐसा लिख सकते हैं 17 + p / 17 - p। अब यहां से हम चेक करेंगे, यहां से क्या चेक करेंगे, यहां से वाई मैक्सिमम निकाल लेंगे। वाई मैक्सिमम निकाल लेंगे तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो सर यहाँ हम मैक्सिमम लगाएंगे क्या, बिल्कुल लगाएंगे। नीचे वाला -p। अब सर यहाँ मैक्सिमम लगाए या मिनिमम लगाए, देखो नीचे जितना छोटा होगा वो उतना ही कम डिवाइड मारेगा, नीचे जितना छोटा होगा वो उतना ही कम डिवाइड मारेगा ऊपर वाले में। तो कम डिवाइड जितना मारेगा उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनिएगा, वापस बोल रहा हूँ, ऊपर बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम निकालने के लिए, नीचे छोटा होना चाहिए। तो नीचे छोटा कब होगा, जब यहाँ कम बचेगा। तो यहाँ कम बचेगा कैसे, जब यहाँ हम मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम करते हैं यहाँ 13 आएगा, तो 17 - 13 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17 + 13 अपॉन 17 - 13। तो ये हो जाएगा आपका 30/4, दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहां से अगर हम वाई मिनिमम की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 17 + p और 17 - p। सुनिएगा ध्यान से, ऊपर कम चाहिए मिनिमम में और नीचे ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहने का मतलब ये -13 है, और यहाँ माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब नीचे वाले में जुड़ जाएगा, और जुड़ने से आपको पता है क्या होगा, जुड़ने से बड़ा हो जाएगा नीचे वाला, और हमें चाहिए बड़ाई। तो इसको मैं क्या कर देंगे, हम मिनिमम चाहिए। तो ये हो जाएगा 17 - 13 अपॉन 17 - का - 13। तो ये हो जाएगा 4/30। तो सर इसकी रेंज क्या हो गई है, वाई की रेंज हो गई है, रेंज ऑफ वाई, वाई की रेंज हो गई है
बाई 30 और ये हो गए हैं 30 बाई 4। हाँ जी, ये इसकी